सबसे पहली जो प्रतिक्रिया है आपकी तरफ से वो क्या है? एक सवाल आपने किया था अरुण भैया से कि आपके यहाँ ऐसा क्या है, हाईलाइट क्या है यहाँ का, कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मैं कुछ अलग क्या दे रहा हूँ यहाँ पे जी। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक्टिंग के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, तो वहाँ सिर्फ एक्टिंग के बारे में 3 महीने का एक बिजनेस जैसा चल रहा है उनके पास, 3 महीने का कोर्स है, वो देते हैं कि ये चीज़ करो ये करो, एंड करते हैं, उनका काम ख़त्म हो जाता है। सबसे पहला बेनिफिट हमारे यहाँ का ये होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ेंगे उनका 100% प्लेसमेंट होगा यहाँ से, क्योंकि हमारा ऑन हाउस प्रोडक्शंस है सीरियल और मूवीज़ का। दूसरा ये कि एक्टिंग करने से बहुत सारा रास्ता खुलता है जो यहाँ के स्टूडेंट को पता नहीं है। वो एक्टिंग करते हैं अपनी मूवी का, डबिंग करते हैं जाके, बस वहाँ पे उनका फिनिश हो गया, पर हम वॉइस ओवर का स्पेशल ट्रेनिंग देंगे उनको। तीसरी बेनिफिट ये है कि यहाँ जो भी फैकल्टीज़ है वो NSDN है। आपको मैं बताऊँगा कि गोविंद पांडे अभी धड़क मूवी आई थी उसमें फादर का कैरेक्टर कर रहे हैं, ZTV पे सीरियल भी कर रहे हैं, तो अच्छे अच्छे जो थिएटर से भी और मीडिया से भी जुड़े हुए लोग हैं, जो उनका कंबाइन एक मसाला होगा वो मिलेगा बच्चों को, जो काफ़ी बेनिफिशियल होगा उनके लिए। दिया जी, आप बताइए कि आप स्पेशल डांस फैकल्टी ट्रेन, ये बहुत तरह के डांस फॉर्म है इसमें, तो कितना अलग मांगते हैं सब्सिट्यूट का? क्या होता है ना, बेसिकली हम लोग अभी बहुत सारी जगह जाते हैं जहाँ पे देखते हैं क्लासेज है, अभी इतनी सारी एक्टिंग क्लासेज हैं, लेकिन उसमें क्लासेज में स्पेशल क्या होता है, एक फैकल्टी में जो भी आता है उसके सब चीज़ें होनी चाहिए, डांसिंग आना चाहिए। आज कोई भी आर्टिस्ट सोचता है कि अगर मुझे डांसिंग नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है, तो डांसिंग के लिए, एक्टिंग के लिए आज की डेट में ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल, और जो कि इन्होंने बताया कि हम लोग वॉइस रिकॉर्डिंग सब चीज़ें कर रहे हैं और सर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अच्छा बेस्ट किसी को कुछ मिलेगा। अभी आपके आसपास जहाँ हम लोगों ने ये ओपन किया है इसके आसपास बहुत सारी डांस क्लासेस हैं, लेकिन यहाँ पर एक्टिंग के साथ डांस जो दोनों मिला, कंबाइन मिलना मुश्किल है। उसके साथ हम लोग अभी इसको अभी थोड़े तरीके से हमने स्टार्ट किया है, लेकिन धीरे धीरे हम इसे और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ फैकल्टी के तौर पर हम लोगों ने अभी डांसिंग ओपन किया है, अभी ये टीचिंग जो भी करेंगे सर। लेकिन बेसिकली क्या है, मैं एज अ डांसर मैंने बहुत काम किया था, लेकिन मुझे पता है कि डांस का बीट नॉलेज आपको बेसिक कहीं पे भी नहीं सिखाया जाएगा। आप जाएंगे आपको एक म्यूज़िक प्ले करके दिखा देंगे कि आपको इस म्यूज़िक पे गाना करना है, लेकिन जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप कैसे करेंगे। तो आप एक्टिंग के साथ में जब आप एक्टिंग सीख रहे हैं आपको वो टाइम बचेगा, उस समय आप डांसिंग भी सीखेंगे, तो जो जब आप रेडी होंगे तो दोनों तरीके से रेडी होंगे। आज टाइगर श्रॉफ ने जब स्टार्ट किया था, सबने देखा है उनकी मूवी, पहले उनकी एक्टिंग देखी है और अब मैं एक्टिंग देखी है। डांसिंग उनको बहुत अच्छा आता था लेकिन एक्टिंग नहीं, अभी उनकी एक्टिंग देखिए कितनी अच्छी कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको उतना टाइम मिल गया। शायद ही बहुत कम जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनको, बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसा मौका कि वो पैसा ले के सीखते हैं। ये सिर्फ हम सेलिब्रिटी के पास ही मिलता है कि शायद ही उनके माँ बाप का नाम रहता है तो उन लोगों को पैसा दिया जाता है और उनको सिखाया जाता है, जो कि हमारे क्लास में हम लोग के उसमें नहीं है। अरे जी, आपने मेंशन किया कि आपकी अपनी फिल्म बनाई है, तो अपनी फिल्म के माध्यम से मौका देंगे या टाइप भी करेंगे? नहीं, टाइप भी करेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी हमारे, पटना दूरदर्शन के लिए भी एक सीरियल है हमारा आंचल में चांद, और स्टार प्लस के लिए भी है सीता, तो ये हमारा ऑन हाउस प्रोडक्शन है, तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से हैं उन्हीं को हम कास्ट करेंगे उसमें। अच्छा अरुण जी, सवाल ये है कि जैसे मैं किसी बड़े ही रिमोट इलाके का रहने वाला एक छोटा सा आदमी, मैं कैसे ही मुझे ये बात पता चली या मैं कैसे आपको कांटेक्ट करूं अगर मैं इंटरेस्टेड भी हूं कि आप मेरे गुरु बन जाएं और मुझे एक्टिंग के गुण सिखाएं? मतलब जो दूर दराज गांव से जो आता हमारे बारे में कैसे जानेगा जी? तो ये हमारे पत्रकार बंधु हैं, ये हमारी प्रतिष्ठान के बारे में बताएंगे लोगों को अपने माध्यम से, और सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम वेबसाइट भी है, और उस वेबसाइट के थ्रू हम लोगों को बताएंगे और पब्लिसिटी भी करवाएंगे, हम चारों तरफ पोस्टर्स लगवाएंगे, ऐड करवाएंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभी हम लगे हुए हैं इस पे कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, चीज़ें पहुँचे, क्योंकि ये ऐसे तो आप, मैं सिर्फ यूपी बिहार के लिए ये नहीं डाला हूं, ये पूरी इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए जो भी बच्चे हैं नीडी हैं उनको मैं करूँगा, पर हमारे यहाँ के बच्चे जो यूपी बिहार से आते हैं उनको यहाँ कुछ अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। आप में ये प्रॉब्लम है, आपके डिक्शन में प्रॉब्लम है, आपका लैंग्वेज ऐसा है, जबकि हरियाणवी भी आते हैं, पंजाबी भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, उनका भी एक अलग टोन होता है, उनको कोई नहीं बोलता, हम लोगों को बोलते हैं कि तुम ऐसा हो वैसा हो, तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा ये भी रहेगा कि मैं उन लोगों को उस लायक बनाऊँ, वन मैन आर्मी जिसको बोलते हैं, कि उनको कोई उन पर कोई उंगली ना उठाए।
कि 3 मंथ्स 4 मंथ्स अगर यहाँ से सीख के जाएँ तो उनको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े। अरुण जी, जैसे बेसिकली कोर्सेज कैसे डिजाइन किए गए हैं और इनकी कोर्सेज क्या होगी? कोर्सेज सारे हमारे बोर्ड पे हैं और कोर्सेज का जो ये फैकल्टी है हमारे यहाँ मेन यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, वो ये सारा कोर्सेज के बारे में ये बताएंगे। जी बताएं सर, क्या क्या कोर्सेज होंगे, क्या ड्यूरेशन होगी और क्या इसके लिए आप पैसे लेंगे? पैसे का तो बात हम नहीं करना चाहेंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि हमारा मेन मोटो बिजनेस नहीं है। जी हाँ, तो वो साइड ही रहने दीजिए। जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जितना बेनिफिट दे सकते हैं, स्कॉलरशिप दे सकते हैं उनके टैलेंट के बेस पे, तो वो भी हम देंगे। ठीक है, अभी हमारा कोर्स एक्टिंग का 4 मंथ्स का होगा, डिप्लोमा कोर्स होगा जिसमें हम एक्टिंग के बारे में सारे चीज़ जो आप यहाँ देख रहे हैं, एक्टिंग और थिएटर ड्रामा क्लासेस, मास्टर क्लास बाई NSDN TV आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। लाइफ टाइम फिल्म एंड सीरियल के लिए ऑडिशन प्रिपरेशन के लिए कभी भी आ सकते हैं, उनको हम गाइड करेंगे लाइफ टाइम, चाहे वो किसी भी एज में चले जाएँ, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी कोर्स पूरा करने के बाद तो उनको मैं कराऊंगा। उसके बाद आप देख रहे हैं जो भी ज़्यादातर बच्चों में एक्टर्स में प्रॉब्लम होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो कहीं बोल नहीं पाते, अंदर हर चीज़ है, माइंड में वो उनका चलता रहता है पर वो दिखा नहीं पाते, तो उसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जो ज़्यादातर NSD में ही सिखाया जाता है। तो क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, 11 साल मैंने थिएटर किया है, तो वो चीज़ मैं अपना जो मेरे अंदर है वो उनको मैं दूंगा अलग से, ताकि उनको ये सब चीज़ें कभी प्रॉब्लम ना हो। अभी सबसे ज़्यादा मैंने डाला है वॉइस ओवर डबिंग का, यहाँ सर्वाइवल की बहुत प्रॉब्लम है, जो स्ट्रगलर्स हैं तो उनको 10,000-15,000 घर से आ रहा है, वो नहीं मैनेज कर पाते हैं, और यहाँ कोई नौकरी करने तो आए नहीं है। फिल्म लाइन में काम करना है तो आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ पे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो उसके लिए वॉइस ओवर सबसे बेस्ट है। कि एक्टिंग में जो 4 प्रकार हैं, वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय, आहार्य और सात्विक, तो सिर्फ वाचिक अभिनय से कोई एक्टर महीने का 1-2 लाख कमा सकता है। अगर आप वॉइस ओवर सीख जाते हैं तो आपको कोई एक घंटे का 5,000-6,000 मिलता है, तो उनको स्ट्रगल करने में इजी होगा। जो आप यहाँ आप आइस में जाइए या बाहर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, कहीं पे भी इसका स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, अगर आप इंडिविजुअल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए है बहुत सारे जगह पे। अच्छा, तो वो मेरा मेन कैसे होगा सर, शिष्य कैसे चुने जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे उनमें से सीट्स आपकी ऑब्वियसली